नमस्कार, आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। पीडीपी ऑफिस के बाहर से स्वागत की लाइव तस्वीरें यहाँ पर आए। तमाम पीडीपी के लोग जो है वो सड़कों पर उतरकर इस वक्त बीजेपी व जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार बीजेपी व इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट यहां पर होते हुए फर्जी वोटर ना मंजूर ना मंजूर इस तरह के नारे यहां पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। और पीडीपी आज जो है वो जम्मू में सड़कों पर उतरी है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी व इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिस तरह से बाहर के लोग भी अब जम्मू कश्मीर में अपना वोट डाल पाए, जिस तरह से अब बाहर के लोग भी जम्मू कश्मीर में अपना जो है वो आने वाले इलेक्शन में अपना वोट यहां पर आके डाल सकते हैं। और इसी बात को लेकर आज पीडीपी जो है वो नाराज यहां पर दिखाई दे रही है और जोरदार प्रोटेस्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी इलेक्शन कमीशनर, इलेक्शन कमीशनर, इलेक्शन कमीशनर। देख सकते हैं कि लगातार यहां पर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी यहां पर होती हुई। देख सकते हैं कि लगातार यहां पर जो है वो आज पीडीपी के लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और जोरदार प्रोटेस्ट जो है वो इस वक्त यहां पर किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अब बाहर के लोगों को जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अब वोट डालने की इजाजत जो है वो दी गई है, उसी को लेकर आज पीडीपी जो है वो जम्मू में सड़कों पर उतरी है। आंदोलन जो है वो लगातार आगे की ओर बढ़ते हुए आज का जो है ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट इलेक्शन कमीशन बहु प्लाजा हम जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो इन्होंने ये नया काला कानून 25 लाख नया वोटर जोड़ा है, यहाँ से तो यही लगता है कि जम्मू का खासकर पूरा भौगोलिक सिस्टम भी चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर डोगरा अपने आप को कौन कहलाएगा, कश्मीरी कौन कहलाएगा, लद्दाखी कौन कहलाएगा, अब ये समझने से बाहर है। और बीजेपी का एजेंडा है कि भारत लोग वापस लाए और ये अपनी यहाँ पर मन नहीं करे, ऐसा कभी नहीं चलेगा। जम्मू के लोगों को नीचे दिखाया जा रहा है, उनके हक हैं, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, यहाँ का मूल्य छीने जा रहा है, नौकरियां छीनी जा रही है, ऐसा कतई नहीं होगा। और पीपल्स कभी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ओर ये लोग वो बैठते हुए और हमारे पास क्या है।
यहाँ पर किस तरह का गुस्सा जो देखने को होनी नहीं है। हम लोग हमें मंजूरी नहीं है तीस साल। पीडीपी ये कह रही है कि हमें ये फैसला जो है वो नाराज ये फैसला जो है वो मंजूर नहीं है, जिस तरह से अब बाहर के लोगों को यहाँ पर वोट डालने की इजाजत जो है वो दी गई है। और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त पीडीपी के लोग जो है वो यहाँ पर वो करते हुए यहाँ एक तरफ आज कश्मीर में जो है वो इसी मुद्दे को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो चल रही है, जिसमें बीजेपी को जो है उसमें नहीं बुलाया गया है। लेकिन इस बीच जम्मू में पीडीपी आज जो है वो सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन यहां पर कर रही है और इलेक्शन कमीशन दफ्तर की ओर जो है वो बढ़ रही है। लगातार बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी यहां पर होते हुए तस्वीरें इस वक्त की जम्मू से हैं। यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं कि पीडीपी जो है आज जम्मू में सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रोटेस्ट इस वक्त यहाँ पर कर रही है और जो बाहर के लोगों को अब जम्मू कश्मीर में यहाँ पर अपना वोट डाल सकेंगे उसको लेकर पीडीपी जो है वो बेहद नाराज है। एक सिंगल वोट बाहर के साथी हैं उनके ऊपर ये लोग इलेक्शन कराना चाहते हैं और जो बीजेपी अपना एजेंडा चलाकर यहाँ पर इलेक्शन को अपने कैंडिडेट को जिताना चाहती है यही एजेंडा है। अपने 1200 पे जा रहे हैं वहाँ पर बात करेंगे और एजेंडा तय करेंगे आगे का। जय हिंद जय भारत। देख सकते हैं कि तस्वीरें फिलहाल जम्मू से थी। यहाँ पर इस वक्त पीडीपी के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करके ये मांग कर रहे हैं कि बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में जो है वोट डालने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाए। फिलहाल आप लोग इस पर अपने राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस लगातार इन्हें यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है। और आपको क्या लगता है कि बाहर के लोगों को आप जिस तरह से यहाँ पर वोट डालने की इजाजत देगी है ये सही है गलत है? इससे आने वाले वक्त में क्या नुकसान हो सकते हैं जम्मू कश्मीर को या फिर फायदे हो सकते हैं? फिलहाल मुझे मेरे साथ ही अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।